स्वागत बंधन बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी के अंतर्गत आरोह भाग 2 के काव्यखंड को पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, यह है काव्यखंड। इसके पहले ये जो काव्यखंड है, जिसमें हम पढ़ रहे थे हरिवंश राय बच्चन जी के, तो मैंने आपको सबसे पहले जो काव्यखंड को पढ़ा हुआ था वो था आत्मपरिचय। क्या था? आत्मपरिचय। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इन्हीं का ही है वो काव्यखंड। ये है दूसरा एक गीत। क्या पढ़ाने वाले हैं? एक गीत। जैसे कि आप देख रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी, इनके जीवन परिचय और इनकी सब चीजों के विषय में हम पढ़ चुके हैं। आज काव्यखंड के अंतर्गत एक गीत, इनकी जो दूसरी जो कविता है उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। आप जैसे कि पिक्चर में देख रहे होंगे, यहाँ पर ये देखिए दिया है आत्मपरिचय गीत। एक गीत आरंभ करने वाले हैं। एक वृक्ष बना है और इसमें बच्चे आप देख रहे होंगे छोटे छोटे बैठे हैं। तो क्या कभी हमें कविता के माध्यम से समझाना चाहता है, बताना चाहता है, उस विषय में हम पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें दिया है निशा निमंत्रण से उधर गीत नामा। कविता के माध्यम से कवि ने समय को इंगित करते हुए और उसके बीतते जाने के साथ ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ कर गुजरने का संकल्प मन में रखने को कहा है। उनके अनुसार संसार का प्रत्येक प्राणी, चाहे वो पथिक हो, बच्चे हो, पक्षी हो, दिन के ढलने से पहले अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो जाता है। यहाँ पर इस कविता के माध्यम से एक गीत क्या बताए, लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कही गई। कैसे समय में? दिन के ढलने से पहले। हर व्यक्ति, चाहे वो पथिक हो, बच्चे हो, पक्षी हो, कोई भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या हो जाता है? व्याकुल हो जाता है। आज हम इसी कविता के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे। ये है एक गीत। सबसे पहली वाली जो कविता है वह है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। शब्दार्थ समझिए, यह जो यह पद माया होता है राह या रास्ता, ढलता समाप्त होता अंत होता। प्रसंग समझिए, प्रस्तुत काव्यांश आरोह पाठ पुस्तक से उद्धृत हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित निशा निमंत्रण गीत कविता से लिया गया है। कवि के अनुसार समय बीतते जाने के एहसास के साथ संसार का प्रत्येक प्राणी, जीव जंतु आदि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ करने की लालसा लिए रहते हैं। वे रात्रि हो जाने से पहले ही अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें अतिरिक्त परिश्रम भी क्यों ना करना पड़े। अतिरिक्त परिश्रम भी यदि उनको करना पड़े तो वो करेंगे, परंतु वह अपने उसको प्राप्त मंजिल को क्या करना चाहते हैं? प्राप्त करना चाहते हैं। चलिए इसके सरलार्थ हम इसकी व्याख्या समझते हैं। कवि के अनुसार समय क्या है? गतिशील है। समय कैसा होता है? गतिशील होता है, किसी के लिए कभी रुकता नहीं है, वह अपनी रफ्तार से चलता चला जाता है, परिवर्तनशील है, गतिशील के साथ साथ परिवर्तन।
परिवर्तनशील है, दिन निकलता है धीरे धीरे वह क्या होने लगता है। देखिए जब सूर्योदय होता है तो सूर्य अस्त भी होता है, तो दिन निकलता है लेकिन फिर वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, ढलने लगता है। ऐसे में संसार का प्रत्येक प्राणी अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या होता है, प्रयत्नशील रहता है। वह क्या सोचता है, वह सोचता है कि मंजिल तक पहुंचने से पहले कहीं रात ना हो जाए, क्योंकि दिन ढलने वाला है, सूर्य अस्त होने वाला है, सूर्योदय से उसका जीवन शुरू होता है। तो इस प्रकार कि कहीं मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रात ना हो जाए, अर्थात रात होने का मतलब कि कहीं कोई ऐसी विघ्न बाधाएं ना आए उसको, ना मतलब उसको विघ्न बाधाओं का सामना ना करना पड़े, और उसका जो अपना लक्ष्य है वो दूर दिखाई नहीं देता, उसको लगता हम जल्दी से अपना कार्य समाप्त करें, अपने लक्ष्य अपनी मंजिल तक पहुंचे। यही सोचकर वह थका हुआ जो पथिक है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की करने के लिए शीघ्रता करता है, जल्दी करता है कि भाई शाम होने से पहले हमको ये काम जल्दी करके और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। क्योंकि कवि के अनुसार दिन बीतने को है और रात्रि होने को, यदि दिन ढलेगा दिन ढलने के बाद क्या होगी, रात होगी। तो इस प्रकार वो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि हम अपने मंजिल तक पहुंचे। जैसे कि इसने कहा पथिक बच्चे है ना, हर व्यक्ति हर प्राणी जीव जंतु को अपने जल्दी पहुंचने का, अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए रहता, क्यों, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात, कहीं कहीं रात ना हो जाए, इसलिए मुझे अपना कार्य को संपन्न करके अपने पथ तक क्या करना, अपने लक्ष्य तक, अपने लक्ष्य को पाना है और लक्ष्य तक पहुंचना है। इस प्रकार से ये कविता के माध्यम से यहाँ पर कवि समझाना चाहता है कि गतिशील और परिवर्तनशील समय के अनुसार यदि हम अपने कार्यों को समय से नहीं करेंगे तो दिन ढलेगा और रात होगी, हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने कार्य को समय से करते हुए और दिन ढलने से पूर्व हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे, आपको ये छोटे छोटे यहाँ ये बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये एक पक्षी का घोंसला है। और जैसे कि कहा कि हर जीव जंतु पक्षी सबको ये रहता है कि हम दाना, मतलब उनके जो माता पिता हैं, जो पक्षी हैं, वो दाना ला रहे हैं और वो अपने बच्चों को खिलाएंगे, तो इन बच्चों को भी अपने माँ बाप के पहुंचने का क्या रहता है, इंतजार रहता है। इसी प्रकार राहगीर पथिक को भी अपने घर पहुंचने, रात ढलने से पहले अपने घर को जाना होता है। दूसरा समझे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान करो में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान करो में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब यहाँ पर शब्दार्थ समझे, प्रत्याशा, प्रत्याशा यानी आशा, बच्चे आस लगाए रहते ना, नीड़ घोंसला, पर पंख चंचलता यानी तीव्रता या तेजी से। प्रसंग देखिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ इसमें पूर्वक में बताया वही आएगा, सवाल यानी इसकी जो व्याख्या है वो समझिए। बच्चे प्रत्याशा में झांक रहे, कभी समय की गतिशीलता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अपने लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त करने की आशा में बच्चे जानने की इच्छा रखते होंगे। कभी क्या कहना, समय की गतिशीलता का वर्णन करते हुए कहता है कि अपने लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त करने की आशा में, जैसे माँ दाना लेके आए तो और हमको जल्दी से वो भोजन प्राप्त हो, आशा में बच्चे की जानने की इच्छा रखते हैं। इसी कारण वे घोंसले में यह जानने के लिए क्या कर रहे हैं, घोंसले से देख रहे हैं कि अभी आए भी नहीं आए, झांक इस प्रकार कि जानने के लिए झांक रहे होंगे कि चिड़िया।
पंखों में चंचलता कितनी है, कितनी जल्दी उड़ करके वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर, वे भी उसी के अनुसार शीघ्रता से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार से कवि क्या कहना चाहता है कि समय की गतिशीलता के कारण ही दिन जल्दी जल्दी ढलने लगता है और रात्रि का आगमन होने लगता है। इस प्रकार कवि यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि समय की गतिशीलता का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि अपने लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त करने की जो आशा बच्चे जानने की इच्छा रखते हैं, इसलिए वो बार बार वो सोच रहे हैं कि कब हमको भोजन या दाना पानी मिले। इसलिए वो जो उनके घोंसले हैं, नीर मतलब घोंसला, उससे वो झांक रहे हैं। इस प्रकार कवि कहता है कि समय की गतिशीलता के कारण, क्योंकि समय चलता चलता है, कभी रुकता नहीं है, तो जब सूर्य उदय होगा तो धीरे 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 हर व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। क्यों? क्योंकि समय की गतिशीलता के कारण दिन जल्दी जल्दी ढलता, जल्दी ढलता, और जैसे ही दिन ढलता है तो रात्रि का क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पे कवि ने इस कविता के माध्यम से समय की गतिशीलता का वर्णन करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कही। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता, उनमें बिहलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता, उर में बहलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता। चलिए शब्दांश को समझते हैं। विकल माने होता है व्याकुलता, विकल व्याकुल, हित के वास्ते, हित माने वास्ते, चंचल गतिशील, क्रियाशील, व्यग्र, शिथिल होना यानी ढीला होना, और पद माने पांव, और माने हृदय, नेता यानी भाव, आतुरता, उमड़न, ठीक है, प्रसंग, जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया, संलाप यानी जो व्याख्या है। समझिए, मुझसे मिलने को कौन विकल्प, कवि हरिवंश राय बच्चन जी सारे संसार के प्राणियों को इंगित करते हुए स्पष्ट करते हैं कि वे समय के साथ साथ चलते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। संसार के प्राणियों को उन्होंने इंगित करते हुए कहा है कि समय के साथ चलते हुए वे अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। इसके लिए वह स्वयं को संसार के प्राणियों से जोड़ते हुए कहते हैं कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनसे कौन मिलने को व्याकुल है, कौन मिलने को व्याकुल है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनसे मिलने को कौन व्याकुल, वह किसकी भलाई के लिए कार्य कर सकता है, अर्थात संसार के लिए उनकी, संसार के लिए उसकी क्या उपयोगिता है। कवि के सामने यह एक अस्पष्ट सा अर्थ प्रतीत होता है और वह उसके हृदय को व्याकुलता से भर देता है। वह संसार के लिए अपनी उपयोगिता जानना चाहता है। अंत में कवि ने स्पष्ट किया है कि दिन की शीघ्रता के साथ व्यतीत होता जा रहा है और निशा का आगमन होता जा रहा है। इस प्रकार कवि यहाँ पर यह समझाना चाहता है। कवि ने क्या कहा कि सारे प्राणियों को इंगित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि समय के साथ चलते हुए सब अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। हर व्यक्ति को लगता है कि समय से अपने लक्ष्य को क्या करें, प्राप्त करें। इसके लिए वो सारे संसार के प्राणियों को जोड़ते हुए क्या कहते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए उनसे मिलने को व्याकुल कौन है, किसकी भलाई के लिए वह कार्य कर सकता है, संसार में उसकी क्या उपयोगिता है। कवि के सामने यह एक अस्पष्ट उन्होंने कहा अर्थ प्रतीत होता है, लेकिन वह हृदय। इस प्रकार कवि ने अंत में स्पष्ट किया
कि दिन की शीघ्रता के कारण समय जो है व्यतीत होता जा रहा है और निशा का आगमन होने को है, इसलिए दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हर व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, चाहे पति हो, पक्षी हो, राहगीर कोई भी हो, हर व्यक्ति अपने दिन ढलने के पूर्व समय को, अपने लक्ष्य को, क्योंकि समय क्या है, गतिशील है, इसलिए अपने लक्ष्य को वो प्राप्त करना चाहता है। तो इस प्रकार इन कविताओं के माध्यम से ये हमने पढ़ा। बच्चों, मैंने आपको ये हरिवंश राय बच्चन जी की जो काव्यखंड है उसका मैंने जो द्वितीय पाठ है काव्यखंड का उसको एक गीत मैंने आपको यहाँ उसकी व्याख्या समझाई। आप इसको बहुत अच्छे से कॉपी में रजिस्टर में बेटा आप लोग लिखते जाइएगा और इसके प्रश्न उत्तरों को हम आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।